To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. प्यार भैयावन, भैयावन आज आपकी क्लास में अध्याय सात के अंतर्गत वीर वाला सुजिया और परिमला के बारे में बताएंगे। भैयावन, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा देश वीरों का खान रहा है, एक से बढ़कर एक वीर हुए और हमेशा संघर्ष की आजादी की लड़ाई और यहाँ तक कि महिलाएं बालाओं ने भी अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। यहाँ उसी के संदर्भ में दो वीर बाला के विषय में जानना है। इस पाठ के अंतर्गत सूर्या और परिमला, ये दो वीर बालाओं की कहानी है। इसके अंतर्गत यावान, आपको जैसा कि पता है कि हमारा देश महान रहा और वैसे आज भी महान है। ये दो वीर बालाएं थे, सूर्या और परिमला। पिता, उनके पिता का नाम दाहिर, राजा दाहिर जो सिंध के राजा थे उस समय। यावान, यह जानना है कि पहले आपको यह जानना राष्ट्रगीत में आप पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, भूतकाल, बंग का नाम आता है। ये सभी हमारे देश की सीमा, ये सभी क्षेत्र हमारे देश के अंतर्गत। भैया, आज से यह 1300 वर्ष पहले की बात है। 1300 वर्ष पहले की घटना के बारे में देखेंगे कि पश्चिम प्रांत में गांधार था। ये गांधार जो वर्तमान में अफगानिस्तान है। भैया, जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी के समय सिंध, पंजाब का आधा भाग और बंगाल अलग हो गया देश से। ये सिंध जो भी पाकिस्तान में, पंजाब का आधा भाग पाकिस्तान में है, बंगाल जो पश्चिम बंगाल की बात बांग्लादेश में। गांधार की बात जो अफगानिस्तान आज कहलाता है, अफगानिस्तान से पश्चिम बगदाद था, वहां के राजा खलीफा भैया भर, वह खलीफा एक सेनापति बुंदेल को नियुक्त किया और नियुक्त करके वह आगे आक्रमण करने के लिए भेजा। ये लगभग 700 ईस्वी की बात है, 708 ईस्वी में वह सिंध पर आक्रमण किया। सिंध के राजा के आक्रमणकारी सेनापति, सिंध के राजा के सेनापतियों के द्वारा, आक्रमणों के द्वारा वह मार डाला गया। उसके सैनिक, खलीफा के सैनिक वापस भाग गए, हार कर सिंध की हार कर वह से वहाँ के खलीफा काफ़ी अपमानित और वह अपमान का घूंट पीकर रह गया उस समय। लेकिन वह बदला लेने के लिए हमेशा सोचता। अगले इस बार वह मोहम्मद बिन कासिम को सेनापति बनाया और उसकी देखरेख में वह आक्रमण करने की योजना बनाई। सेना बहुत बड़ी थी, 1,00,000 पैदल सेना थी, 6,000 घुड़सवार थे, 3,000 ऊंट थे और 5 पत्थर बरसाने वाले तोप थे। अयावान, इतनी बड़ी सेना लेकर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया। वह कई दिनों तक दीवार पर को घेरा डाले रखा, लेकिन वह सफलता नहीं प्राप्त। आखिर वह यह जानना चाहा कि आखिर हम सफल क्यों नहीं हो रहे। भैया, हम दीवार के बारे में यह था कि जब तक मंदिर के ध्वज पर फहराता रहेगा तब तक दीवार को कोई नहीं जीत सकता और वहाँ के हर व्यक्ति अपनी देश की रक्षा के लिए वह लड़ने को मर मिट।
जैसे ही यह जानकारी मिला, मोहम्मद बिन कासिम चुपके से रात्रि के अंधेरे में धोखे से वह दीवार पे जो मंदिर का ध्वज था वह गिरवा दिया। ध्वज को गिरते ही कल अफवाह फैल गया, चारों तरफ यह संवाद फैल गया कि वह देव मंदिर का ध्वज गिर गया। और लोगों के अंदर यह विश्वास था कि जिस दिन यह ध्वज गिर जाएगा दीवार का सर्वनाश हो जाएगा। भैयावान, ध्वज गिरते ही लोगों ने हथियार डाल दिए और वह युद्ध करना छोड़ दिया भैयावान, और आसानी से मोहम्मद बिन कासिम वह दीवार पर अधिकार कर लिया। भैयावान, आप देखिए कि यह अंधविश्वास के कारण क्या हुआ कि बिना युद्ध किए बहुत कम परिश्रम से वह दीवार पर आक्रमण दीवार पर को अपने अधिकार में कर लिया। पिछले दिन तक जो दीवार के वहाँ के लोग अपने सुरक्षा के लिए डटे थे और मोहम्मद बिन कासिम सफलता नहीं प्राप्त कर सका था, और एक साधारण यानी वह ध्वज के गिरने के बाद लोगों ने युद्ध करना छोड़ दिया और आसानी से यह मोहम्मद बिन कासिम दीवार पर अधिकार कर। भैयावान, आप देखिए कि दीवार पर मोहम्मद बिन कासिम का सहज अधिकार हो गया। दीवार को जीतने के बाद वह 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राजा दाहिर अत्यंत पराक्रमी सम्राट था। उसने अपनी पूरी शक्ति से कासिम की सेना का सामना किया। या मोहम्मद बिन कासिम के का सामना और किससे होता है? दाहिर से। भैयावान, आप देखें कि इससे पहले देखिए कि वह दीवार के बारे में आप पढ़ चुके। अगले दिन आपको दाहिर के साथ युद्ध होता है, उसमें क्या होता है उसके बारे में अगले क्लास में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। भैयावान, आप गृह कार्य लिख देंगे। गृह कार्य पा सा का रस एक का उत्तर लिखे। भैया, नमस्कार। आज के लिए बस इतना है।